हेलो स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7, नाउ द स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3, गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट वर्ड्स मीन्स सरकार। तो एवरी स्टूडेंट लिसनिंग दिस वर्ड्स, तो नाउ द स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द वर्ड गवर्नमेंट इन न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी। आपने अखबारों में गवर्नमेंट वर्ड्स बार बार पढ़ा होगा, रेडियो पे, टीवी में, ऐसे न्यूज़ में, कि गवर्नमेंट शब्द बार बार आता है। ओके, व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, सरकार अथवा है क्या है, व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है क्या। व्हाट फंक्शंस डज इट परफॉर्म एंड व्हाट इट्स इम्पोर्टेंस अवर लाइफ्स, जो उसकी कार्यों और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। गवर्नमेंट शब्द का हमारे लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस क्या है। वी विल स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट इन दिस लेसन। इन बातों को हम यहाँ पे समझेंगे और पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट वर्ड्स क्या हैं। यू मस्ट बी अवेयर डेट अ कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक अ लॉ एज पर इट्स कंस्टिट्यूट टेक अ डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट देम। आप जानते ही होंगे कि प्रत्येक देश में अलग अलग निर्णय लेने और अमल करने के लिए तथा काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्येक देश में कुछ भी काम करने के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट के थ्रू हम कुछ भी काम करने हैं, जैसे किस तरह के काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर शूड स्कूल्स एंड रोड बी कंस्ट्रक्ट, विद्यालय और रास्ते कहाँ बनाए जाएंगे वो। शूड द रेट्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज बी इंक्रीज एंड डिक्रीज, जो चीज़ और वस्तुओं के भाव बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। शूड द हाउ टू इंश्योर डैट इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू एवरीवन, जो बिजली की सुविधा किस तरह उपलब्ध की जाएगी उसके बारे में। डिसीजन सच एज दिस आर यूजली टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो प्रत्येक देश में है, जो जो वगैरह कुछ भी सीट वजह विषय के बारे में सरकार निर्णय लेती है, जो भी काम होती है उसके बारे में सरकार निर्णय लेती है। तो डिसीजन सच दिस यूजली टेकन बाय गवर्नमेंट, जो सरकार कानून बनाने वाली है उसको लागू करने वाली संस्था है, वो भी काम को करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। दस द गवर्नमेंट परफॉर्म द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो भी प्रत्येक देश में सरकार द्वारा संविधान अनुसार कानून बनाना, लागू करना, उसको संशोधन करने का काम करती है। ओके, जैसे कुछ भी काम करना है तो वो गवर्नमेंट की परमिशन के ही अराउंड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। इस तरह सरकार के कई महत्वपूर्ण ऐसे इम्पोर्टेंस वर्क होते हैं। वी कम टू नाउ अबाउट द गवर्नमेंट्स वर्क थ्रू द मीडिया। अब हम रोज़ न्यूज़पेपर, दैनिक पत्र में आने वाले समाचारों में के आधार पर सरकार के कार्यों के विषय में जा सकते हैं। हमें कोई भी न्यूज़ मीडिया के थ्रू पता चलता है कि गवर्नमेंट अभी क्या आगे वर्क करेगी, इसके बारे में हमें पता चलता है। ओके, अब है फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के क्या क्या वर्क होंगे वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। ओके, द गवर्नमेंट इज़ लाइक द मैनेजिंग कमेटी, सरकार भी एक संचालक मंडल है। सरकार में भी, गवर्नमेंट में भी है, अलग अलग ग्रुप बनाए होते हैं, सबको अलग अलग काम दिया जाता है। ओके, यूजली इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट्स वर्क एज पर विशेष टू पीपल एंड फॉर दियर वेलफेयर, जो सामान्यतः लोगों की इच्छा अनुसार संचालन करते हैं। सरकार का जो कोई भी लोक कल्याण में क्या कार्य होगा वो, इसके बारे में हम पढ़ते हैं।
The government also take the various step to solve the economic and social perform the people. जो अभी सरकार के आर्थिक एंड सामाजिक समस्याओं का निराकरण का कार्य भी करती है. जो भी सामाजिक समस्या या आर्थिक है पैसे से रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था व्यवस्था से रिलेटेड है या समाज की कोई समस्या है उसके उसका भी निराकार जो भी है सॉल्व वो सरकार गवर्नमेंट करती है. इट इज़ अ कॉन्कर्ड अबाउट द नेशन इकोनॉमी कंडीशन एंड परफॉर्म ऑफ प्रॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट लिटरेसी हेल्थ ईटीसी. ओके, अब सरकार देश के आर्थिक स्थिति, लोगों की गरीबी बेकारी के विषय में तथा लोगों की शिक्षा स्वास्थ्य की चिंता करती है. लोगों की गरीबी है, जो बेकारी है, जो बेरोजगार लोग हैं, जो लोगों को बच्चों की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो भी गवर्नमेंट उसकी चिंता करती है. इट्स आल्सो प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी लाइक मेकिंग लॉ द प्राइस फूड ग्रेन्स अवेलेबल थ्रू द रेशन शॉप असिस्टेंस ड्यूरिंग द डाइजेस्टर एंड कैलिमिटीज स्टेबलाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल एंड रन सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट जुडिक्सरी पोस्ट एंड टेलीग्राम रेलवे रेलवेज ईटीसी. ओके, जो सस्ते अनाज की दुकान द्वारा खास जो खाद्य सामग्री का वितरण, शिक्षा संस्थान, हॉस्पिटल्स, आपातकालीन सहायता, न्याय के लिए व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, पोस्ट, रेलवे की सेवा जैसे अनेक कार्य सरकार करती है. ओके, जैसे सस्ते अनाज की दुकान जो होती है, जो राशन की दुकान होती है, जैसे हमें खाद्य सामग्री सस्ते में मिलती है वो शिक्षा संस्थान होती है, हॉस्पिटल ऐसे बनाए हुए हैं, कोई न्याय के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई है, यातायात के लिए, पोस्ट के लिए, रेलवे सेवा के लिए अनेक कार्य सरकार करती है. द गवर्नमेंट आल्सो मेंटेन्स द फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर कंट्री. सरकार दूसरे देशों के साथ भी शांतिपूर्ण संबंध रखती है. जैसे बहुत सारे अलग अलग देश हैं, गवर्नमेंट उनके साथ भी अच्छे से रिलेशन रखती है. ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू इंश्योर डैट द लॉ इज सम ऑफ एवरी वन. ओके, अब है जैसे सरकार इसीलिए ज़रूरी है कि उसके द्वारा बनाए हुए कानून नियम सभी पर एक समान रूप से लागू किए जाए. ऐसा नहीं कि किसी को किसी के है हम किसी पे ऐसे अत्याचार कर रहे हो, किसी को बहुत ऐसे फुल छूट दे रहे हो कोई भी काम करने की, ऐसा नहीं. सरकार सबको सही सही से ऐसे सबके लिए सही से रूल्स बनाती है. इट्स फ्रेम्स लॉज sees that it's implement by the concerned authority and the police. अब जो सरकार जो कानून बनाती है, जो अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए तथा पुलिस के माध्यम से उसे लागू भी करवाती है. जो भी ये कानून वगैरह हैं, कुछ रूल्स है, जो भी करवाती है वो पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं. ओके, अ वेरी इम्पोर्टेंट फंक्शन गवर्नमेंट इट्स टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन वेन एवर देयर इज अ पब्लिक गैदरिंग. जब लोग समूह में होते हैं तब व्यवस्था के लिए नियम बनाने निर्णय लेने का काम भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. जो लोग ग्रुप में रहते हैं फिर उनके लिए व्यवस्था के अच्छे से नियम बनाना फिर उसको निर्णय लेना ये भी एक महत्वपूर्ण काम होता है. द गवर्नमेंट डज प्ले द वेटाइल रूल्स द मैनेटिंग लॉ
order and peace, and also ensure the development of nation. ओके देश में शांति रहे, कानून और व्यवस्था बनी रहे तथा देश का विकास हो, इसके लिए सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो भी देश में जो काम चल रहा है वो शांति से चले, जो भी कानून बना है उस पर लागू, कोई भी कानून बनाया है वो भी अच्छी तरह लागू हो, व्यवस्थाएं बनी रही, देश का विकास होता रहे, इसके लिए गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस होता है। ओके द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स, अब गवर्नमेंट की कितने कितने डिफरेंट लेवल हैं इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट इज अ रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द वेरियस फैसिलिटी इन द डिफरेंट फील्ड्स, सरकार की जिम्मेदारी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग सुविधाएं देनी होती है, जो वेरियस फैसिलिटी देती है डिफरेंट फील्ड्स में। हाउ डज द गवर्नमेंट अरेंज फॉर ऑल दिस, ये सब सुविधाएं व्यवसाय व्यवस्था सरकार किस तरह करती होगी। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया भारत खूब विशाल बड़ा देश है, भारत एक बहुत वास्ट कंट्री है। इफ द एडमिनिस्ट्रेटर वाज सेंट्रलाइज मैनी प्रॉब्लम वुड अराइज एंड विल केस द इनकॉन्वेंसेज टू द सिटीजन विल बी इनकॉन्वेंसेटेड, अब एक ही स्तर तथा स्थल के संचालन किया जाए कई मुश्किलें पैदा होगी। ओके नागरिकों भी असुविधा होगी, जैसे अलग अलग स्तर पे बढ़ते जाते हैं तो सभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, और जो नॉर्मल जो लोग हैं नागरिक हैं उनको भी कोई असुविधाएँ मिल जाती है, कोई सुविधा उस टाइम मिले या नहीं मिले वो जरूरी नहीं है। Therefore, our government works the different level. अब government work की कितने कैसे different level है, पहला है local level, फिर second state level और third है national level. Okay, यहाँ पे 3 levels बताए हुए हैं government के। हमारी सरकार ने अलग अलग levels पर काम करती है, पहला है local, local का मतलब होता है स्थानीय स्तर, state का मतलब राज्य स्तर, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय स्तर। ओके पहला है लोकल लेवल गवर्नमेंट इज द कॉन्कर्ड विथ द अफेयर्स ऑफ विलेज एंड सिटी, अब ये लेवल कहाँ तक सीमित रहता है, लोकल लेवल होता है विलेज एंड सिटी, गांव और शहर से स्टार्ट होते हैं। ओके स्टेट लेवल गवर्नमेंट डील्स विथ द मैटर एट द स्टेट लेवल वाइल द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क रिलेटेड टू द एंटायर नेशनल। ओके अब जो ये राज्य स्तर वाला है ये राज्य के लिए होता है, जो स्टेट लेवल है स्टेट लेवल का जो बनाया हुआ है वो स्टेट के लिए होता है, और नेशनल के लिए बनाया हुआ गवर्नमेंट नेशनल लेवल है वो पूरे देश के लिए होता है, और स्टेट लेवल पूरे राज्य के लिए होता है, और लोकल पहला है लोकल लेवल वो होता है विलेज एंड शहर के लिए, विलेज एंड टाउन्स के लिए, सिटीज़ के लिए, एंड सेकंड है स्टेट लेवल, स्टेट लेवल होता है स्टेट के लिए, पूरे स्टेट के लिए, एंड जो नेशनल लेवल है वो पूरे देश के लिए होता है। ओके You have the already study about the local level and will learn about the state government in the next unit. जो भी है ये आगे के जो प्रकरण में ये आगे जो स्टेट 3 है मैं आपको राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में जानकारी मिलेगी, इसके लिए हमें यहाँ पे इसमें स्टेट लेवल में जानकारी मिलेगी। द नेक्स्ट क्लास यू विल बी लर्न अबाउट द नेशनल गवर्नमेंट इट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट,
अब अगली क्लास में आपको राष्ट्रीय सरकार तथा केंद्रीय सरकार की जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पे इतना नहीं बताया आपको, यहाँ पे सिर्फ लोकल लेवल का, स्टेट लेवल का, नेक्स्ट यूनिट है उसमें बताया है। और जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें 8 में आपको नेशनल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अब नेक्स्ट यूनिट आएगा उसमें लोकल और स्टेट लेवल के बारे में हम पढ़ेंगे। अब है द गवर्नमेंट एंड लॉज। द गवर्नमेंट फ्रेम्स, दे मस्ट बी ऑबे बाय ऑल सिटीजन। सरकार जो कानून बनाती है, जो भी सरकार कानून बना रही है उस कानून को देश के सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इज एवरी एवरी इम्पोर्टेंस टू प्रॉपर प्रॉपर फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जो ये सब हमको सरकार काम कर रहे हैं उसके इसके लिए एक कानून ही महत्वपूर्ण साधन है। जो भी ये काम है सरकार काम कर सके इसके लिए कानून ही महत्वपूर्ण साधन है। कानून में ऐसे सब डिवाइड किया जाता है, ऐसे रूल्स डिवाइड किए हो जाते हैं जिससे गवर्नमेंट को हेल्प मिल जाती है। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट्स लॉ। लेट अस टेक एज एग्जाम्पल। अब जो सरकार के पास जिस तरह कानून बनाने की सत्ता है उसी तरह कानून को लागू करने की भी सत्ता है। उदाहरण एक उदाहरण द्वारा हम यहाँ पे समझेंगे। यू मस्ट हैव द टिकट बाय ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। यदि रेलवे में यात्रा करते समय आपके पास टिकट होना ही चाहिए, हमें यदि ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे पास टिकट तो होना ही चाहिए। इफ़ यू कॉट द ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, यू हैव द आइदर पे अ पेनल्टी और गो टू जेल। यदि तुमने ट्रेन में ट्रेवल करते टाइम टिकट नहीं ली, यदि आप बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए तो दंड भरना पड़ता है, पेनल्टी तो भरनी पड़ती है अथवा जेल भी जाना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट का रूल है। यदि आप ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी जाओ, यदि आपने यात्रा करते टाइम यदि आपने टिकट नहीं लिया तो आपको पेनल्टी तो भरनी पड़ती है, अदरवाइज आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इवन थॉट द गवर्नमेंट में वर्क लॉफुली इन केस सिटीजन फील दैट लॉज आर नॉट बीइंग द एजुकेटेड प्रॉपरली, दे हैव टू राइज दियर वॉइस और इवन गो टू कोर्ट। अब सरकार जो कानूनी कार्रवाई करे तो लोगों को लगे कि अच्छी तरह कानून का पालन नहीं हो सकेगा, तब ये सब प्रश्नों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। जो सरकार के कानून बनाए हुए, अब लोगों को लगे कि ये अच्छी तरह कानून का पालन नहीं हो रहा तो उस प्रश्नों पर आवाज़ उठा सकते हैं। द कोर्ट कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टेक अप्रोप्रिएट मेजर। अभी ये जो न्यायालय में जा सकते हैं या ये जो कोर्ट गवर्नमेंट को इस संबंध में योग्य निर्णय लेने का भी आदेश दे सकती है। जो ये यहाँ पे ट्रेन में जो ट्रेवल करते हुए पकड़े गए, यदि उसके उसको न्याय चाहिए तो वो कोर्ट के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे पेनल्टी भी भर की या जेल जाके ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब सरकार के क्या क्या है, गवर्नमेंट के अंग हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री इट्स नाउ एज द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट की ऑर्गन्स हैं, आपने निष्कर्ष निकाला होगा कि राज्य अपने कार्य को
जिस तंत्र द्वारा करता है उस तंत्र को सरकार कहा जाता है। ओके, अब जो किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। डियर फोर द गवर्नमेंट इज असेंटली ऑर्गन्स ऑफ द नेशन एंड एज द परफॉर्म द वेरियस फंक्शन। ओके, सरकार के प्रत्येक राज्य के लिए एक आवश्यक ऑर्गन्स है। ओके, सरकार विविध डिफरेंट एक्टिविटी करनी होती है तो सरकार के लिए धारा एंड कानून बनाना होता है। द गवर्नमेंट फ्रेम्स एक्ट द लॉ द एंड एंश्योर द प्रॉब्लम एग्जीक्यूट इट सी टू इट्स डेट द लॉ द सुटेबल इंटरप्रेटर एंड इम्प्लीमेंट एंड आल्सो इंश्योर्ड डेट द जस्टिस इज डन। अब सरकार की जो कानून लागू करवाती है उसका योग्य काम करने के लिए कानून की पूर्ति करना और न्याय भी दिलाती है। पहले प्रकार का कार्य धारा किया है और दूसरे प्रकार का कार्य कार्यकारिणी से संबंधित हैं। द थ्री आर्म्स द गवर्नमेंट इज अ लेजिस्लेट टू एग्जीक्यूट इम्पार्ट जस्टिस द आर्म ऑफ डेट फ्रेम्स लॉज नाउ द लेजिस्लेटर विच कंप्रीज द विधानसभा एंड डेट विच एग्जीक्यूट द लॉ इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव द आर्म विच वर्क टूवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड जुडिशरी एंड इट्स टेक द एक्शन एक्शन एग्जेक्ट ऑफेंस। अब जो भी है तीसरे, देखो इसमें तीन कार्य होते हैं। पहला कार्य है, पहले प्रकार का है कार्यधारी क्या, दूसरा है कार्यकारिणी उससे संबंधित, तीसरा कार्य है न्याय विषय विषयक। कार्य निर्मित करने वाले अंग को बोलते हैं विधानसभा। जो कार्य जहाँ पे ये जो भी काम हमको करवाना है उसको बोलते हैं विधानसभा। ये सब विधानसभा में होता है। अभी जो निर्मित कानून को लागू करने का काम भी जिस अंग द्वारा होता है उसे बोलते हैं मंत्रिमंडल, कार्यपालिका। ओके, अब जहाँ पे कोई भी काम करना है, कानून निर्मित कोई भी काम है वो विधानसभा में, और जो भी लागू करना है कानून को निर्मित करने के लिए जिस काम कानून को निर्मित कानून को लागू करने का काम जिस अंग का होता है वो होता है मंत्रिमंडल, कार्यपालिका कहते हैं। न्याय विषय काम करने के लिए होती है न्यायपालिका, जो कानून का भंग करने वाले के सामने केस चलाकर सजा देने का काम करता है। ओके, तीन टाइप्स की यहाँ पे आर्म्स है। फर्स्ट है कार्यधारिका, जो भी कानून से रिलेटेड काम है वो विधानसभा में। फिर निर्मित कानून में जो कानून लागू हो रहा है वो होता है मंत्रिमंडल में, और जो न्याय विषय कोई भी काम है वो होता है न्यायपालिका में। और यदि कोई भी कानून भंग कर रहा है तो उसके ऊपर केस चलाकर सजा देने का काम भी न्यायपालिका करती है। ओके, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री मेड अप द यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट। अब भारत एक विशाल देश है, भारत में डिफरेंट डिफरेंट राज्यों का एक बड़ा संघ है। द कंस्टिट्यूट हैज़ मेड इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट द स्मॉल फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देश का संचालन सरलता से हो सके उसके लिए संविधान ने भारत को संघ राज्य बनाया है, और इसीलिए भारत में समन्वय या राष्ट्रीय और राज्य इस तरह के दो स्तर की सरकार होती है। यहाँ पे दो स्तर की सरकार होते हैं। दस द इंडिया द फेडरली स्टेट द मीन्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन टू लेवल्स, सेंट्रल लेवल्स एंड स्टेट लेवल। ओके, यहाँ पे भारत में जो राष्ट्रीय और राज्य जिस तरह दो स्तर पे कार्य करती है वो उसके नाम है राष्ट्रीय स्तर की राज्य
जो राष्ट्रीय स्तर पे जो सरकार का काम करती है उसको बोलते हैं केंद्र सरकार या संघ सरकार। ओके, आपने केंद्रीय सरकार नाम सुना ही होगा, द सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल लेवल इज कॉल्ड द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इट्स लुक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री। अब जो यहाँ पे जो राज्य स्तर पे जो संचालन करने वाली है, अभी जो राष्ट्रीय स्तर पे होता है उसको केंद्र सरकार होता है, और जो राज्य स्तर पे काम होता है, संचालन होता है राज्य स्तर पे, उसको राज्य सरकार बोलते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पे होता है उसको केंद्र सरकार, और राज्य स्टेट लेवल पे होता है उसको बोलते हैं हम राज्य सरकार। द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेवल इज कॉल द स्टेट गवर्नमेंट। वी विल स्टडी मोर अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हियर। द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द इंडियन स्टेट मे बी एवन द वन और टू हाउसेज। द लोअर हाउस इज नाउ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अपर हाउस नाउ द लेजिस्लेटिव काउंसलिंग। अब यहाँ पे हम यहाँ राज्य सरकार के अंगों का परिचय प्राप्त करेंगे, जो भारत के प्रत्येक राज्य में विधायक होती है, उसके एक या दो घरों में दो हाउस ऐसे बने होते हैं। पहला है लोअर हाउस, लोअर हाउस में विधानसभा होती है, और अपर हाउस में होती है विधान परिषद। ओके, यहाँ पे दो हाउस बने हुए हैं, लोअर एंड अपर। लोअर में होती है विधानसभा, और जो अपर में होती है वो विधान परिषद। और विधान परिषद द गवर्नर इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट द स्टेट ऑफ गुजरात एज ओनली ओनली द लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। मोस्ट ऑफ द स्टेट डू नॉट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसलिंग। अब जो राज्यपाल का भी उसमें समावेश होता है, गुजरात द्वारा विधायक का मात्र एक निचले घर में आता है, जो गुजरात का है वो आता है लोअर हाउस में आता है, अभी राज्यों के विधान परिषद में नहीं आता। ओके, ये लोअर हाउस में गुजरात लेवल गुजरात स्टेट आता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट में कैसा होता है, पहला देखो स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट फिर गवर्नर। गवर्नमेंट गवर्नर में लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिकरी बॉडी। फिर है लेजिस्लेटिव बॉडी में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसलिंग। फिर है गवर्नर में फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर। फिर जुडिकरी में हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट। ओके, यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है एक इस टाइप से, ये स्टेट गवर्नमेंट कैसे रूल्स फॉलो होते हैं वो यहाँ पे बनाया हुआ है, एक टेबल्स द्वारा समझाया हुआ है। ओके, जो पहला है वो है राज्यपाल, फिर है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हमने पढ़े थे। ओके, पहला है जो लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है विधायिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब है कार्यपालिका, और जुडिक्री का मतलब होता है, जुडिस्ट्री का मतलब होता है न्यायपालिका। अब विधायिका दो पार्ट में कन्वर्ट की है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसलिंग, विधानसभा एंड विधान परिषद। ओके, अब एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होती है मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा बनी होती है, और न्यायपालिका उच्च न्यायालय एंड जिला एंड तहसील न्यायालय न्यायालय। ओके, इस तरह यहाँ पे गवर्नमेंट की जो रूल्स फॉलो होते हैं इस तरह से वन बाय वन स्टेप में चलता है। ओके, यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। हमने पहले पढ़ा यहाँ पे, पहले हमने गवर्नमेंट वर्ड्स जो सुना है उसके बारे में, फिर फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट।
फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट में क्या पढ़ा हमने यहाँ पे कि गवर्नमेंट किस तरह से अपने रूल्स फॉलो करवाती है। किस तरह से गवर्नमेंट वर्ड्स का रूल्स फॉलो कहाँ कहाँ पर होता है वो। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, फिर गवर्नमेंट के डिफरेंस लेवल पढ़े यहाँ पे, फिर गवर्नमेंट एंड लॉस लॉस पढ़ा, फिर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा। फिर यहाँ पे एक टेबल्स बनाए हुए स्टेट गवर्नमेंट के। इसी तरह ये यहाँ पे चैप्टर नंबर थर्ड गवर्नमेंट इज अ फिनिश होता है। द चैप्टर नंबर फिनिश ऑफ चैप्टर 3।